हेलो फ्रेंड्स, ठोस अवस्था नाम के चैप्टर के लेक्चर्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलों में अपूर्णताएं। दोस्तों, अपूर्णता को जो दूसरा नाम है वो है अपूर्णता का दोष। तो ये टॉपिक आपको ऐसे भी मिल सकता है, क्रिस्टलों में दोष। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ा है। निविड़ संकुलन में आपने ये पढ़ा कि जो ठोस होते हैं उन ठोसों की एक निश्चित ज्यामिति होती है, अर्थात ठोस के जो अवयवी कण हैं उनको हम एक निश्चित पैटर्न में एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरे के पूरे ठोस का निर्माण करते हैं। तो जब हम क्रिस्टल को बनाते हैं, जब हम ठोस को बनाते हैं, तो उसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, और उसके निश्चित क्रम में जुड़ने के तरीके को हमने पढ़ा था और उसी को हमने नाम दिया था निविड़ संकुलन। दोस्तों, अगर जो आपका क्रिस्टल है उसमें सभी कणों की व्यवस्था उसी प्रकार से है जिस प्रकार से होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। अगर अवयवी कणों की व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही है जैसे होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं आदर्श क्रिस्टल संरचना। और अगर उस आदर्श क्रिस्टल संरचना से कोई भी विचलन हमको देखने को मिलता है, तो उसको हम कहते हैं दोष। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज आदर्श नहीं होती, इसलिए जितने भी क्रिस्टल हैं वो सारे क्रिस्टल आदर्श नहीं होते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की त्रुटि होती है, और उसी त्रुटि का अध्ययन हमको करना है, और उसी त्रुटि को हम बोलते हैं दोष। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं, आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित होती है। तो जो भी आदर्श क्रिस्टल हैं उन सब में कणों की जो व्यवस्था है वो एकदम नियमित होती है, फिक्स होती है। परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल आदर्श नहीं होता, क्योंकि हम जब भी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आती है। साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होते हैं, तो बहुत छोटे 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 क्रिस्टल मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा ठोस बनाते हैं। इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में दोष होते हैं, कमी होती है। क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था हो सकता है, कि जो अवयवी कण है वो जहां पर होने चाहिए वहां पर नहीं है, अव्यवस्थित हैं, अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने, दो बार लिख दिया है, अपना निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति का उत्पन्न होते हैं। मतलब दोष उत्पन्न होने के बहुत तरीके हो सकते हैं, कि भाई आपका जो ठोस है उसके जो कण है वो जहां पर होने चाहिए वहां पर नहीं है, उसकी जगह किसी और स्थान पर उपस्थित है, या फिर वो गायब भी हो चुके हैं, क्रिस्टल की वो जगह खाली पड़ी है, या फिर उसकी जगह कोई और अशुद्धि आ गई है। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं जिनसे क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका दोष अवयवी कणों के कारण है तो उसको हम बोलते हैं बिंदु दोष। पढ़िए परिभाषा, अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष कहलाता है बिंदु दोष। तो अगर अवयवी कण किसी जालक बिंदु, जालक बिंदु आप जानते हैं कि क्रिस्टल के जो क्रिस्टल जालक होता है उसके एक बिंदु को हम बोलते हैं जालक बिंदु, वहां पे अवयवी कण होते हैं। तो क्रिस्टल के अंदर जहां कहीं पे भी अवयवी कण है उसको नाम दिया जाता है जालक बिंदु। तो अगर जालक बिंदु पर कोई दोष है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं, जैसा कि नाम में आ रहा है। और अगर जालक के पूरी रेखा में ही दोष है, जैसे मान लीजिए यह आपका जालक है और इसके किसी जालक बिंदु पर, ये जालक बिंदु है, यहां पर दोष है, तो ये कहलाएगा बिंदु दोष। और अगर पूरी रेखा में ही दोष है तो वो कहलाएगा रेखीय दोष। जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो तो उसके कहते हैं रेखीय दोष। तो पहले तो आप समझें दोष की परिभाषा क्या है। दोष होता है आदर्श व्यवस्था से विचलन। अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो दोष है कणों की आदर्श व्यवस्था से विचलन। और ये बेसिकली दो टाइप का हो गया, एक तो बिंदु दोष अगर अवयवी कण में दोष है, और रेखीय दोष अगर पूरी पंक्ति में दोष है। और अभी अपन एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो अब मैं आपको वर्गीकरण समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। दोष दो प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अच्छे समझे। दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिंदु दोष, दूसरा होता है रेखीय दोष।
मैंने आपको बताया परिभाषा, बिंदु दोष अगर अवयवी कणों में दोष हो, रेखीय दोष अगर पूरी की पूरी पंक्ति में दोष हो, राइट। बिंदु दोष दोस्तों फिर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टाइशियोमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्टाइशियोमेट्रिक दोष। तो मैं लिखता हूं, तो पहला दोष हो गया स्टाइशियोमेट्रिक दोष, दूसरा हो गया नॉन स्टाइशियोमेट्रिक दोष। दोस्तों ये स्टाइशियोमेट्रिक जो ये इंग्लिश वर्ड है, इसकी हिंदी होती है रस समीकरण मितीय है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय, नाम थोड़ा अजीब है, रस समीकरण मितीय दोष, और ये कहलाता है दोस्तों अरस समीकरण मितीय दोष। तो दोष दो प्रकार के हो गए, एक रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। दोस्तों अब ये फिर चार प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। एक एक करके पढ़ेंगे अपन, पहले मैं आपको नाम बता रहा हूं, फ्रैंकल दोष। तो ये चार प्रकार का हो गया, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब इसको देखिए दोस्तों, ये फिर से दो प्रकार का होता है, धातु अधिकता, दूसरा धातु न्यूनता। अब आप एक बात को समझें, इसके दो प्रकार होते हैं फिर से, और वो दो प्रकार कैसे आएंगे मैं आपको अभी समझाता हूं, इसके दो प्रकार कैसे आएंगे वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए धातु अधिकता, भाई धातु क्या होती है, धातु का उदाहरण है सोडियम। सोडियम क्या करता है आप सभी को पता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करता है और क्या बनाता है, Na प्लस, Na इलेक्ट्रॉन का दान करके Na प्लस बनाता है। मतलब धातु क्या होती है, धातु होती है धनायन, धातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। जैसे सोडियम है तो सोडियम की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की, वैसी हर धातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बनता है, धनायन बनता है। तो यहां पर लिखा हुआ है धातु अधिकता, मतलब आपको धनायन की अधिकता करनी है। अब धनायन की अधिकता करने के दो तरीके हैं, पहला धनायन को बढ़ा दीजिए, तो पहला इसका हो जाएगा धनायन आधिक्य, और दूसरा हो सकता है कि अगर आप धनायन को नहीं बढ़ा सकते तो ऋणायन को कम कर दीजिए। तो दूसरा तरीका हो सकता है ऋणायन न्यूनता, क्योंकि तो अगर आप ऋणायन को कम कर देंगे तो अपने आप धनायन बढ़ जाएगा। तो एक तरीका हुआ धनायन को बढ़ा दीजिए धनायन अधिक के, दूसरा तरीका हुआ ऋणायन को कम कर दीजिए ऋणायन न्यूनता, उससे कौन बढ़ जाएगा, धातु, क्योंकि धातु क्या होती है, धातु होती है धनायन। ऐसे लिंक करना है तो याद आसानी से होगा, उधर धातु न्यूनता, धातु की कमी करनी है मतलब धनायन की कमी करनी है। तो धनायन की कमी करने का तरीका क्या हो सकता है, आप धनायन को बाहर निकाल दीजिए, तो धनायन न्यूनता। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप ऋणायन को बढ़ा दीजिए तो धनायन अपने आप कम हो जाएंगे, ऋणायन अधिकता। तो धातु अधिकता के दो प्रकार हो गए, पहला प्रकार है धनायन अधिकता, धनायन का आधिक्य या फिर ऋणायन की कमी, और धातु को कम करना है तो धातु को कम करना मतलब धनायन को कम करना, तो या तो धनायन को कम कर दीजिए या फिर धनायन को कम नहीं कर सकते हैं तो ऋणायन को बढ़ा दीजिए। सही बात है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ वर्गीकरण समझाया है, अब एक एक करके हमको इसको पढ़ना है। तो अब हम शुरू करेंगे रस समीकरण मितीय दोष से। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो ये चार्ट आपकी हेल्प करेगा समझने में कि हम किस जगह किस चीज को पढ़ रहे हैं। सही बात है। तो वर्गीकरण वाले टॉपिक्स में हमको इस तरह का चार्ट बना लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम शुरू करते हैं रस समीकरण मितीय दोष। अब देखिए दोस्तों, जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। रस समीकरण मिति का मतलब होता है स्टाइशोमेट्री, और वो क्या चीजें, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास पहले दोष से पहले क्रिस्टल में 10 Na प्लस है और 10 Cl माइनस है। दोष से पहले क्रिस्टल में 10 Na प्लस है, 10 Cl माइनस है, तो यहाँ पर रेशियो कितना हुआ, 10:10, दैट इज 1:1। तो धनायन और ऋणायन का रेशियो कितना हो गया, 1:1। बट आप ये देखते हैं
कि दोष के पश्चात एक एनए बाहर जा चुका है, एक सीएल बाहर जा चुका है। उस केस में अब रेशियो कितना है, 9:9 = 1:1। तो आपने नोटिस किया, दोष से पहले भी रेशियो था 1:1, दोष के बाद भी रेशियो है 1:1। इसको हम बोलते हैं रस समीकरण मिति का बने रहना। अगर ये रेशियो गड़बड़ जाता तो इसका मतलब रस समीकरण मिति आपकी बिगड़ चुकी है। तो ये जितने भी दोष हैं, इन सभी दोषों में दोष के पहले और दोष के पश्चात रस समीकरण मिति बनी रहती है, मतलब इस तरह से रेशियो सेम रहता है। अब ये दो प्रकार का होता है, इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड फिर हम थर्ड फोर्थ पढ़ेंगे। तो इसके दो प्रकार देखते हैं। पहला है जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए, तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है, ये उसके अवयवी कण है, ये आदर्श व्यवस्था बना रहा हूं मैं पहले, तो ये सारे अवयवी कण हैं। इन अवयवी कणों में से कुछ अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं, तो ये वाला बाहर निकल गया मान लीजिए, और ये वाला बाहर निकल गया, तो इसकी जगह पे क्या बन गई, रिक्ति, और इसकी जगह पे क्या बन गई, रिक्ति। तो ये जो दोष, रिक्ति का मतलब होता है खाली जगह, तो ये जो दोष आया है इस दोष को हम क्या बोलेंगे, रिक्ति का दोष। और दोस्तों आयतन तो उतना ही है, कम क्या हो गया, द्रव्यमान कम हो गया, क्योंकि जब कण बाहर निकलेंगे तो उन कणों का जितना भी द्रव्यमान था उतना द्रव्यमान कम हो गया। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। फिर से यहां पे जब ये कण बाहर निकलेंगे तो इन कणों के बाहर निकलने से द्रव्यमान में कमी आएगी, और घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मतलब द्रव्यमान कम हो चुका है, आयतन उतना ही है, तो घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इस बात को लिख देता हूं मैं कि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां पे आयतन तो उतना ही है, बट द्रव्यमान में क्या आ गई, कमी, क्योंकि कण बाहर निकल गए, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये बात लिखी है कि घनत्व कम हो जाता है, सही बात है। तो ये पहला दोष था रिक्ति का दोष, जब कुछ अवयवी कण अपनी निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं, राइट। अब आते हैं इधर अंतराकाशी दोष में। दोस्तों क्या होता है, अंतराकाशी दोष के अंदर जैसे ये आपके अवयवी कण है, पहले मैं आदर्श व्यवस्था बना रहा हूं, तो इन अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि रिक्ति कितने प्रकार की होती है, त्रिकोणीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो यहां पर जो रिक्ति है ये खाली जगह को रिक्ति बोलते हैं, तो इस रिक्ति के अंदर एक अवयवी कण आ जाएगा, इन रिक्तियों के अंदर एक अवयवी कण आ जाएगा। तो जब बाहर से एक्स्ट्रा अवयवी कण रिक्ति के अंदर आ जाते हैं तो उस दोष को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी का मतलब होता है इंटरस्टीशियल, मतलब इस रिक्ति को, इस खाली जगह का दूसरा नाम है अंतराकाशी स्थान। तो पढ़िए, क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है, ठीक बात है। अब आप सोचिए कि आयतन तो उतना ही है, यह आयतन है, तो आयतन तो उतना ही है, बट उस आयतन में एक्स्ट्रा कणों के आने के कारण द्रव्यमान बढ़ गया है। तो फॉर्मूला होता है घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन उतना ही है बट द्रव्यमान बढ़ गया है, तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, मतलब इस तरह के दोषों में घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, तो घनत्व बढ़ जाता है, सही बात है। तो ये होते हैं दोस्तों दो दोष, रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष। अब बात को ध्यान समझें, ये वाला दोष जिसके अंदर अवयवी कण छोड़कर चले गए हैं, ये वाला दोष जिसके अंदर अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ गए हैं, ये दोनों दोष जो हैं ये दिखाए जाते हैं अनआयनिक ठोसों के द्वारा, अनआयनिक ठोसों के द्वारा, अनआयनिक ठोस ये दो दोष दिखाते हैं। और ये दो दोष जो नीचे लिखे हुए हैं, शॉर्टकी तथा फ्रेंकल, ये दिखाते हैं आयनिक ठोस, तो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष कौन दिखाता है, अनआयनिक ठोस
और शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष कौन दिखाता है? आयनिक ठोस। जब अभी मैं आपको शॉटकी दोष पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि शॉटकी कुछ कुछ रिक्तिका की तरह है, और जब मैं फ्रेंकल दोष पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि वो तो अंतरागाशी की तरह है। तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिए? अलग अलग नाम इसलिए दिए, मैं एडवांस में बता रहा हूं, अलग अलग नाम इसलिए दिए क्योंकि ये दोनों अनायनिक ठोस के लिए हैं और ये दोनों आयनिक ठोस के लिए हैं। आयनिक ठोस में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, आयनिक ठोस के अंदर वैद्युत उदासीनता बनाए रखनी होती है। तो जब मैं आपको ये दोनों ठोस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सिखाऊंगा अभी कि किस तरह से इनमें वैद्युत उदासीनता बनी हुई है। और वैद्युत उदासीनता का मतलब होता है कि जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा और आपके क्रिस्टल पे नेट आवेश शून्य होगा। तो ये दोनों आयनिक ठोस हैं, इनमें वैद्युत उदासीनता बनाए रखनी होती है। ये दोनों अनायनिक ठोस हैं, अनायनिक ठोस में वैद्युत उदासीनता पहले से होती है और बाद में भी होती है, वहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ता है। फिर से दोस्तों, ये दोनों और ये दोनों आपको जब भी सेम लगे तो मेरी इस बात को याद रखें कि ये दोनों अनायनिक ठोस के लिए हैं और ये दोनों आयनिक ठोस के लिए हैं, और इन दोनों में वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक बात है, तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं एक बार। देखिए, सामान्यतः ये दोनों दोष, ये वाला दोष और ये वाला दोष, अनायनिक ठोसों में संभव है। तो ये दोनों संभव है अनायनिक ठोसों में। आयनिक ठोसों में भी इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं, परंतु आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता बनाए रखना आवश्यक है। कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। अतः इन दोनों दोषों को फ्रेंकल और शॉटकी वर्गीकृत करते हैं। तो जब इस तरह के दोष आयनिक दिखाते हैं तो नाम हो जाता है शॉटकी तथा फ्रेंकल। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। अब हम शुरू करते हैं शॉटकी दोष। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक आयनिक क्रिस्टल है, और जैसा कि हमने पढ़ा कि शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष ये दोनों दिखाए जाते हैं आयनिक क्रिस्टल के द्वारा। तो ये आपके सामने एक आयनिक क्रिस्टल है। अब इस दोष में क्या होता है, इस आयनिक क्रिस्टल में धनायन अपने स्थान से रिक्त हो जाता है, और जितना धनायन रिक्त होता है उतना ही ऋणायन रिक्त हो जाता है, और इन दोनों जगहों पर रिक्ति बन जाती है, खाली स्थान बन जाता है। तो शॉटकी दोष में क्रिस्टल से जितने धनायन बाहर निकलते हैं उतने ही ऋणायन बाहर निकलते हैं। तो आप बात को समझें कि मान लीजिए पहले 10 धनायन थे और 10 ऋणायन थे, तो अगर एक धनायन क्रिस्टल से बाहर निकला है तो एक ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर निकला है। तो अनुपात पहले था 10:10, मतलब एक और एक का अनुपात था। अब भी 9:9, मतलब एक और एक का अनुपात है। तो दोष के पहले और दोष के बाद अगर आप देखें तो रस समीकरण मिति अर्थात धनायन और ऋणायन का अनुपात वो वही है जो पहले था। मतलब ये दोष किसका हिस्सा हो गया? रस समीकरण मिति दोष का हिस्सा हो गया। दूसरी बात, अब अपन एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं। यह आयनिक ठोसों का रिक्तिता दोष है। मतलब आपने देखा था इससे पहले, पहला दोष जो मैंने पढ़ाया था वो था रिक्तिका दोष, उसमें क्रिस्टल से अवयवी कण बाहर निकलते हैं। तो आप देखिए यहां पर भी धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकले हैं, मतलब यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल निर्माण के समय जब क्रिस्टल बनता है उस समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। जैसा आपने देखा कि वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गए, जिससे जालक में खाली स्थान रह जाता है, राइट? इसे शॉटकी दोष कहते हैं, इसको बोलते हैं शॉटकी दोष। आगे देखिए, क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायनों व ऋणायनों की संख्या एक समान होती है। जितने धनायन क्रिस्टल छोड़ते हैं उतने ऋणायन क्रिस्टल छोड़ते हैं, अर्थात वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। दोस्तों, वैद्युत उदासीनता का मतलब होता है जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो आप देख सकते हैं कि पहले जितना धनावेश था उतना ही ऋणावेश था, अभी भी जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है। मतलब नेट आवेश पहले भी शून्य था, नेट आवेश अभी भी शून्य है, अर्थात वैद्युत उदासीनता बनी हुई है। ओके, आगे देखिए, यह दोष दो कारणों से संभव हो सकता है। पहला, उच्च समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब होता है कि एक कण के चारों तरफ कितने कण उपस्थित हैं, उसको बोलते हैं समन्वय संख्या। तो अगर समन्वय संख्या उच्च है, मतलब बहुत सारे आयन क्रिस्टल के अंदर भरे हुए हैं और एक आयन के चारों तरफ बहुत सारे आयन हैं, तो फिर इस दोष के होने के चांस बनते हैं। दूसरा, आयनों का लगभग समान आकार। अगर धनायन और ऋणायन का आकार लगभग एक समान है तो फिर इस प्रकार का दोष हो सकता है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं।
थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है ये, बट आपको ये टॉपिक समझने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एक टेम्पो के अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, और जैसा कि होता भी है, तो टेम्पो के अंदर जो लोग भरे हुए हैं उन सबका आकार लगभग एक समान है। तो जैसे टेम्पो वाला ब्रेक लगाता है, क्योंकि उन सबका आकार एक समान है और बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो ब्रेक लगाते ही एकदम से इतना प्रेशर पड़ता है कि दो चार लोग गेट छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल वैसा यहाँ पे होता है। उच्च समन्वय संख्या के कारण और आकार का लगभग एक समान होने के कारण जब तापमान बढ़ता है तो क्रिस्टल के अंदर से कुछ धनायन और कुछ ऋणायन बाहर निकल जाते हैं। ठीक बात है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि आप देखिए आयतन तो उतना ही है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान कम हो गया है क्योंकि लोग बाहर निकल गए हैं, आयतन उतना ही है, तो द्रव्यमान के कम होने के कारण घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताप में वृद्धि होने पर शॉर्ट की दोष में वृद्धि होती है, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो यहां पे वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन से धनायन और ऋणायन बाहर निकलेंगे, और इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट की दोष। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला दोष, जिसका नाम है फ्रेंकल दोष। तो आप इसके नोट्स बना लें, अच्छे से लिख लें इस टॉपिक को, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं फ्रेंकल दोष। दोस्तों फ्रेंकल दोष में क्या होता है, तो फ्रेंकल दोष आयनिक दोषों का अंतराकाशीय दोष है, अर्थात फ्रेंकल दोष में जो धनायन है वो धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर जो आयनों के मध्य जगह होती है, जैसे ये जो जगह है आयनों के मध्य, इसको हम बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। जो रिक्ति है उसको हम बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। तो आपका धनायन अपनी मेन जगह को छोड़कर, अपनी निश्चित जगह को छोड़कर कहाँ चल जाता है, अंतराकाशीय स्थान में। और इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेंकल दोष। तो पढ़िए, 1962 में वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिससे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। रिक्त मतलब होता है खाली, जिसे छिद्र कहते हैं। तो ये जगह है, ये जो बनी है जगह, इसको दोस्तों बोलते हैं छिद्र, इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। आधारभूत रूप से ये दोष आयनिक ठोसों का अंतराकाशीय दोष है। आपने अनायनिक में जो अंतराकाशीय दोष पढ़ा था उसको अगर हम आयनिक के लिए डिफाइन करें तो ये क्या बन जाता है, फ्रेंकल दोष। सामान्यतः यह दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है। अब सोचिए, धनायन ही क्यों गया अंतराकाशीय स्थान में, ऋणायन क्यों नहीं गया? तो दोस्तों धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है, तो क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा है इसलिए अंतराकाशीय स्थान में कौन जाता है, धनायन। तो यही बात लिखी हुई है कि सामान्यतः यह दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है क्योंकि इसका आकार ऋणायन से छोटा होता है। तो इसका आकार ऋणायन से छोटा है इसीलिए इस कारण से यहां पर जो दोष उत्पन्न होता है वो धनायन उत्पन्न करता है। इस दोष में क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या और इनका आवेश बराबर होता है। अब देखिए, ये ए प्लस अपनी इस जगह को छोड़कर यहां पे गया है, तो पहले क्रिस्टल में जितने धनायन थे, जितने ए प्लस थे, अभी भी उतने ही है। बस ए प्लस ने क्या किया है, अपनी जगह को छोड़ करके इधर शिफ्ट हुआ है, बाहर थोड़ी गया है जैसे पहले बाहर गया था। तो यहां पर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, इसलिए जितने धनायन पहले थे उतने ही धनायन अभी हैं, जितने ऋणायन पहले थे उतने ही ऋणायन अभी हैं। ये पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर। अतः क्रिस्टल उदासीन होता है, पहले भी जितना प्लस था उतना ही माइनस था, उदासीन। अभी भी जितना प्लस है उतना ही माइनस है, उदासीन। ठीक बात है। अब इसके कारण देखिए, कारण है निम्न समन्वय संख्या। तो ज्यादा लोग घिरे हुए नहीं है आसपास, तो एक कण के आसपास ज्यादा लोग उपस्थित नहीं है। दूसरा, ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी बड़ा, तो जो ऋणायन है उनका आकार धनायनों से काफी बड़ा है इसलिए धनायन बीच में आके फिक्स हो रहे हैं। अगर मैं टेम्पो वाले एग्जाम्पल से इसको रिलेट करूं तो मान लीजिए टेम्पो के अंदर लोगों के बीच में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सही है। तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा वो बंदा, ब्रेक लगाते ही क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर से वो छोटे बच्चे जो है वो बड़े लोगों के बीच में जो गैप है उस गैप में आके फिट हो जाएंगे, ना कि टेम्पो को छोड़ के बाहर जाएंगे। इससे पहले क्या था, इससे पहले सबका आकार बराबर था और समन्वय संख्या ज्यादा थी, मतलब टेम्पो पूरी तरह से भरा हुआ था, तो प्रेशर लगने पे सब बाहर निकल रहे थे। इस बार क्या है, टेम्पो में जगह है और बड़े बड़े लोग हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं,
तो जब प्रेशर लगेगा तो छोटे बच्चे बड़े लोगों के बीच में जगह वहां पे आके फिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, जैसे ही इस पे तापमान बढ़ता है, जैसे ही प्रेशर लगता है, वैसे ही ये धनायन जो है जगह छोड़ के ऋणायन और धनायन के बीच में जो खाली जगह है वहां पे आके फिट हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये दो कारण हो गए, एक तो निम्न समन्वय संख्या, दूसरा ऋणायनों का आकार धनायनों से काफी बड़ा। क्रिस्टल का स्थायित्व तो घटता है। देखिए, जब जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा उसका स्थायित्व तो कम होगा, परंतु इस आयतन में पहले जितना द्रव्यमान था अभी भी उतना ही द्रव्यमान है। ए प्लस ने अपनी जगह को शिफ्ट किया है, पर ए प्लस बाहर थोड़ी गया है। तो जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान अभी है, तो घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था? इससे पहले वाले केस में घनत्व कम हो रहा था क्योंकि द्रव्यमान कम हो रहा था। एक और बात को समझिए आप, जब मैंने आपको उसमें अनआयनिक ठोस में अंतराकाशीय दोष पढ़ाया था, याद है आपको, सेकंड वाला जो अभी इस लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था कि घनत्व में वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों उस केस में आप ध्यान से देखें, उस वीडियो को उस लोकेशन पे जाके फिर से देखें, वहां पे जो डायग्राम है उसमें पहले से जो अनआयनिक कण उपस्थित हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, बाहर से अंतराकाशीय स्थान में एक्स्ट्रा है तो द्रव्यमान बढ़ गया। यहां पर बाहर से कोई नहीं आया, जो ए प्लस है वो बस इस जगह को छोड़कर यहां पर गया है। तो कंपैरिजन करें दोनों का, जो अंतराकाशीय दोष था अनायनिक का उसके अंदर पहले के कण ऐसे कैसे थे, बाहर से एक्स्ट्रा कण आए थे, और इसके अंदर एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आ रहे, इसी का धनायन जो है वो इस जगह को छोड़ के यहां पे जा रहा है। तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो घनत्व पहले था वो घनत्व अभी रहेगा, राइट। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं कि फ्रैंकल दोष कौन शो करता है और शॉर्ट की दोष कौन शो करता है। तो शॉर्ट की दोष शो करने वालों के एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं और फ्रैंकल दोष वालों के यहां लिख रहा हूं। तो शॉर्ट की दोष दिखाने वालों के एग्जाम्पल हो गए NaCl, KCl, CSCl, KBr, AgBr, और फ्रैंकल दोष दिखाने वालों के एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr, ZnS। अब दोस्तों यहां पर एक बात नोटिस करने की है कि अगर आप देखें तो AgBr शॉर्ट की दोष भी प्रदर्शित कर रहा है और फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा ठोस है जिसके अंदर दोनों प्रकार के दोष देखे जा सकते हैं, तो वो ठोस है AgBr। AgBr शॉर्ट की दोष भी प्रदर्शित करता है और फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करता है। तो अपने नोट्स में आप लिख रहे हैं कि AgBr वह ठोस है जो शॉर्ट की एवं फ्रैंकल दोनों दोष प्रदर्शित करता है। ठीक बात है। ऐसा क्यों होता है? इसका आकार जो है ना, एजी और बीआर का आपस में आकार इस तरह का है कि एजी बीआर चाहे तो जितने धनायन बाहर निकले उतने ऋणायन भी बाहर निकल सकते हैं, और अगर एजी प्लस चाहे तो वो अंतराकाशीय स्थान में भी आ सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आकार इन दोनों के बीच में इस तरह से एडजस्ट है कि ये चाहे तो अंतराकाशीय स्थान में चल जाए चाहे तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाए। इसी कारण से एजी बीआर दोनों प्रकार के दोष दिखाता है। ओके, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया रस समीकरण मितीय दोष। फिर से मैं रिवाइज कराता हूं, दोष आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है बिंदु दोष, एक आपका होता है रेखीय दोष। जो आपका बिंदु दोष है उस बिंदु दोष में किसी एक अवयवी कण, कोई एक अवयवी कण होगा वहां पे दिक्कत आएगी, वहां पे दोष आएगा, और जो रेखीय दोष होगा उसमें पूरी रेखा में दोष आएगा, पूरी पंक्ति में दोष आएगा। बिंदु दोष दो प्रकार के थे, स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक, अर्थात रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय दोष वो होते हैं जिनमें दोष के पहले और दोष के बाद में अनुपात जो है धनायनों और ऋणायनों का वो बराबर रहता है। और रस समीकरण मितीय हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रस समीकरण मितीय चार प्रकार का था, पहला था आपका रिक्तिका दोष और दूसरा था अंतराकाशी दोष। इन दोनों को हम अनआयनिक के लिए डिफाइन करते हैं, और उसके बाद दो थे शॉटकी और फ्रैंकल जिनको हम आयनिक के लिए डिफाइन करते हैं। अंतराकाशी में और फ्रैंकल में दोनों में कोई बंदा एक्स्ट्रा आके अंतराकाशीय स्थान में आता है, बस अंतराकाशीय दोष जो अनायनिक का था उसके अंदर बाहर से कोई आता है और फ्रैंकल दोष के अंदर यहीं का कोई धनायन उस जगह को छोड़ के यहां पे आ जाता है। ये दोनों में फर्क था। और रिक्तिका दोष के अंदर आप ये देखते हैं कि क्रिस्टल से कुछ धनायन और कुछ ऋणायन बाहर निकल जाते हैं। दोनों ही दोष में चाहे शॉटकी हो चाहे फ्रैंकल हो वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ धनायन होते हैं उतने नंबर ऑफ ऋणायन होते हैं। तो धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या बराबर होने के कारण इनके अंदर वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, राइट। अब फिर आपने जाना कि शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल क्या है और फ्रैंकल दोष का एग्जाम्पल क्या है,
और दोनों दोष दिखाने वाला एक ही बंदा है, AGPR। तो इसका नाम आपको याद रखना है। आने वाले वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम अरस समीकरणमितीय दोष को डिफाइन करेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।